नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे जगह पे लेके आया हूँ, ये हमारा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और हम लोग उन देवता को पूजा करते हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं। और ये हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, सबसे ऊपर है ये जो जीव है सबसे ऊपर, और उनको हम प्रणाम करते हैं, गौ माता कहते हैं। और मैं इसी जगह पे लेके आया हूँ, एक गौशाला में लेके आया हूँ और आप लोगों को मैं घुमा के दिखाऊंगा किस प्रकार गाय यहाँ पे रहते हैं और किस प्रकार सेवा किया जाता है यहाँ पे, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये गौशाला के मेन गेट है, ये गौशाला में जाने के लिए मेन गेट है। कन्हैया है वहाँ पर, कान्हा खड़ा हुआ है और पास में है गाय माता, दोनों तरफ खड़े हुए हैं। देखिए ये गौशाला के मेन गेट है ये, और इसी गेट पे एंट्री करते हैं। अंदर बहुत सारे गाय हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब 1943 में ये स्थापना किया गया था, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ये बना हुआ है। बहुत ही पुराना जगह है ये और पुराना संस्था है ये गौशाला। अंदर आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये जो भाई साहब हैं ये यहाँ पर गायों को चारा देते हैं, देखिए उनका धंधा बिजनेस है। ये देखिए हाथ हिला रहे हैं, उनका बिजनेस है, चारा का दुकान है और उनके जो खाने के लिए सब चारा का बंदोबस्त किया जाता है संस्था की तरफ से। ये भाई साहब यहाँ पे चारा देते हैं, यहाँ पे चारा का दुकान है उनका और ये चारा सप्लाई करते हैं यहाँ पे। ये जो ट्रस्ट है गौमा गौशाला, ये ट्रस्ट की तरफ से ये सब गाय को रखा जाता है। गौशाला में गायों का सेवा किया जाता है, गायों का देखभाल किया जाता है। ये गौशाला है, आप लोगों में दिखाता हूँ। ये देखिए कितने वेराइटी की गाय है यहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारे गाय हैं। ये देखिए उनके लिए पंखे का व्यवस्था किया गया है, देखिए पंखा लगा हुआ है ऊपर, और खाने के लिए सब बंदोबस्त किया गया है। लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जैसे इंसानों की हर प्रकार की व्यवस्था किया जाता है यहाँ पे। देखिए गायों का पूरा सेवा किया जाता है। और जो गौ माता है वो हमारे लिए, गौ माता भगवान की जैसे होते हैं, भगवान ही है हमारा जी, हमारे लिए। तो हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म में उनको पूजा करते हैं, पूजते हैं। ये हमारे माँ की बराबर के दर्जा उनको दिया गया है तो उनको हम पूजा करते हैं। देखिए कई किस्म के गाय है यहाँ पे। जो लोग गायों का सेवा नहीं कर पाते हैं, जो गायों का मतलब देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये जो गौशाला है ये गौशाला में दान कर देते हैं। बहुत सारे गाय हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे गाय हैं यहाँ रखा गया है। और जो लोग गायों का देखभाल नहीं कर पाते हैं या गायों का सेवा नहीं कर पाते हैं वो लोग यहाँ पे दान कर देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया गाय है और इन लोगों का देखभाल करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान इन्हीं के रूप में बसते हैं और इनके शरीर में रहते हैं, 33 कोटि देवता उनके शरीर में और रहते हैं, तो इसीलिए उनका सेवा करते हैं लोग। हिंदू शास्त्र में उनको बहुत ही पुण्य का दर्जा दिया गया है। ट्रस्ट की तरफ से जो लोग रहते हैं यहाँ पर तो चारा देते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। देखिए ये बहुत सारे गाय हैं, देखिए यहाँ पे भी गाय है। ये देखिए गाय है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी रकम देकर यहाँ पे गायों को देना पड़ता है। और जब यहाँ पे देते हैं गौशाला में तो ये लोग गायों का सेवा करते हैं और गायों का देखभाल करते हैं। ये गौ माता है और हम लोग बचपन से, जब हम आँख खोलते हैं उसके बाद हम ये गाय का दूध, दही, घी और छाछ ये सब पी करके बड़े हुए हैं। हर मानव, हर इंसान इन्हीं ये गौ माता से मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रहण किया है, क्योंकि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद गाय का हर चीज़ इंसान को लगता है। और भगवान की पूजा में भी बहुत सारे चीज़ लगता है और भगवान को प्रिय होता है, जैसे घी, दही, छाछ और छेना
ये सब ये गाय के दूध से बनता है और ये हमारे लिए अमृत तुल्य है और अमृत जैसा है, इसीलिए हम गाय को माता कहते हैं और गौ माता कहते हैं। और ये गौशाला है, ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको मैं नमन करता हूँ और उनको मैं सलाम करता हूँ। अगर ये गाय का पैर देखिए किस प्रकार टेढ़ा हुआ है, तो ये जो घर वाले है जो उनको पाला था, जो भी इसको उनको रखा था, तो उनने सेवा नहीं कर पाया, उनका देखभाल नहीं कर पाए, तो ये गौशाला में दान कर दिए। देखिए उसका पैर किस प्रकार हुआ है, ये चल नहीं पाती है ये गाय माता, ये देखिए। और इस जो संस्था है उसका इसका नाम है गोरक्षणी। मुख्य गौ सेवक केशव चंद्र षडंगी, उन्होंने इस गौशाला का स्थापना किया था 1943 में, 1943 में, और उनका देहांत हो चुका है। असुरेश्वर गोरक्षणी स्थापित 1943 में इसका स्थापना किया गया था, ये सब लिखा गया है। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही गौ, मतलब गाय के शरीर में हर देवता है, 33 कोटि देवी और देवता उनके शरीर में बसते हैं, तो इसीलिए उनको गौ माता कहा जाता है और उनकी पूजा किया जाता है। इस जो संस्था को जो दान करते हैं जो पैसा देते हैं, उनका नाम भी इस ये जो लिस्ट है इसमें लिखा गया है। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या के लोग यहाँ पे दान करते हैं, ये ट्रस्ट में चलता है, ये ट्रस्ट है एक गौशाला, और इसी ट्रस्ट में लोग दान करते हैं, पैसा देते हैं। आप लोग अगर चाहे तो इस ट्रस्ट में दान कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। देखिए कितने गाय है, देखिए खाना खिलाने के लिए बहुत सारे पैसा लगता है। देखिए ये सब जो चंदे के हिसाब से यहाँ लोग देते हैं, दान देते हैं इस संस्था को। जैसे इंसानों के लिए व्यवस्था किया जाता है, इस प्रकार गौ माता के लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था किया गया है, ताकि वो लोग आराम से यहाँ पे रह सके और बाकी जो जीवन है वो अच्छी तरह से गुजार सके। देखिए ये लगभग 100 से ज़्यादा गाय इसके अंदर है और ये गौशाला के अंदर है, 100 से भी ज़्यादा गाय है और उनका देखभाल किया जाता है। खाने पीने का, रहने का, नहाने का सब, जो ट्रीटमेंट का सब कुछ बंदोबस्त यहाँ किया जाता है और सब कुछ बंदोबस्त है, ताकि यहाँ पे वो लोग आराम से ज़िंदगी गुजार सके, बाकी जो जीवन है खुशी से बिता सके। जो बिल्डिंग बनाया गया है ये गौ माता रहने के लिए, सब ये बिल्डिंग बनाया गया है, इसी बिल्डिंग के अंदर गौ माता सब रहते हैं। पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे किया गया है इस गौशाला में, यहाँ पे खाने के लिए बंदोबस्त है गौ माता की, खाने के लिए, रहने के लिए, नहाने के लिए, और पंखा भी लगाया गया है उन लोगों, ताकि गर्मी ना हो, सब कुछ व्यवस्था किया गया है इसके अंदर। और 15-20 आदमी इसके अंदर रहते हैं, काम करते हैं और जो गायों का सेवा करते हैं। आपका नाम क्या है सर? नारायण साहू, मुझे अनुष्ठान गोमल समिति वाइस प्रेसिडेंट। ये जो सर है नारायण सर,
ये जो गौशाला है उनका वाइस प्रेसिडेंट है और ये बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए सर, ये जो जगह पे गौशाला बना हुआ है और ये किस प्रकार किस हिसाब से बना हुआ था और इसका जो स्थापना हुआ था किस प्रपोज के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया था? 1943 मसीह रे ये जगह गोटे विराट बड़ा सुनसान था, जंगल था जी। ये जंगल बाटा दे ये गोटे मुसलमान गोटे हड़ा गुरु किणी ताको नहीं पटे जाऊ खरा दिन प्रबल खरा है सी आज जाऊला जा जगार शा शा सी तो निर्घात पिटी पिटला पिलाटा पाट नाल फेणफेण बहुत बाहर बाहर से आम पाख पड़शार जो जलधर नायक जो होमिओपैथी डक्टर सी हूँ अभिराम परमहंसर दीक्षित सी यही पटे जाऊ ओह्ल पड़े ओह्ल पड़े अरे बाबू तू कहीं गुरु को बाड़िया कर सी जाऊ कौन करी ना तु गुरु के किणचु ना मुझे आठणा देखिए किणी ना तु आठणा ले से गोरु छाड़ दे सब आठणा पैसा दे पलिगला ये सब से कौन सी से गोरु को रक्षा कले रक्षा कले सब जन सांग मुसलमान नाम सैयद अफसर अली जाए पहुँचले ये सब घटना कहले गोटे सांग दी साथी जाक आसे दिखण बाउंश आज नड़ा आणले आणिक बण मझे शमशान मझे गाई रखी तो खाया पीवा दे देखिए सब तक गोटा विकल्प चिंताधारा आसा कौन करमी कौन करा बाकी सब तक जो आज जन तृतीय सांग नाँ हूँ केशवानंद षडंगी घर जाएडा जाए पहुँचले और पहुँची तक सब यही वर्णना बोली सब कहले हेटू कहला हाउ चल सांग गले सांग जाने गाँ गाँ बुले गाँव से जो माँ मैंने अच्छा कहले माँ मैंने देख तुम ये रोषे करा जो चाउल नौ तुम पर मुठिए मुठिए हौ ना गोटे हूँ मुक्ति भिक्षा आपण मैंने रखिए रखि आप अनुष्ठान देते आठ अनुष्ठान हम इटा 1943 मसीह आरंभ है 1943 से ही बना हुआ है। बहुत ही पुराना है ये। हाँ बहुत दिन पुराना अनुष्ठान ये से मुठी भिक्षार ही अनुष्ठान आज पर्यटन चली गढ़ चलिए बर्तमान गोरु ये आम 130 गुरु 130 गाय है यहाँ पे। सर जो बोल रहे हैं उनका कहने का मतलब है 1943 में एक मुसलमान जो है एक गाय को पकड़ के लेके जा रहा था, तो गाय की मतलब जो नाक से और मुंह से मतलब फेन झाग निकल रहा था, तो जो जलधर नायक थे उनने देखा कि ये गाय को मतलब घसीट के लेके जा रहा है, तो उन्होंने बताया भाई ये गाय को क्यों घसीट के लेके जा रहा है, तो उनने बताया तो मैं खरीद के लाया हूँ तो मैं घसीट के लेके जा रहा हूँ मेरा गाय है। तो जो जलधर नायक है उनने कहा कि भाई ये काम कर तू जितना पैसे से गाय को खरीद के लाया है तो मैं पैसा देता हूँ तू पैसे से मेरे को गाय दे दे। तो उन्होंने गाय को दे दिया, उस पैसे देके गाय को खरीद लिया। खरीद कर इसी जगह पे जिस जगह पे यहाँ पे आज देख रहे हैं ये जो गौशाला बना हुआ है इसी जगह पर वो गाय को पहले बांध कर रखे थे और लोगों से कहा कि आप लोग थोड़ा बहुत जो भी है जो भिक्षा है और मतलब हर रोज़ एक एक मुट्ठी जो चावल है यहाँ पे दीजिए और हम यहाँ पे गौशाला में जो गाय माता है उनका सेवा करेंगे और उनका देखभाल करेंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है आप लोग गौशाला बनाइए और गौ का देखभाल कीजिए गौ माता का और हम लोग आप लोगों को जो भी हम सक्षम के हिसाब से जो भी अपना मतलब दे सकते हैं जितना पैसा हो चाहे भी जो भी अनाज हो दे सकते हैं उस हिसाब से देंगे। ये जो सर है ये नारायण साहू और ये ट्रस्ट का ये देखभाल करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और देखभाल करते हैं। अगर आप लोग अगर ये गौशाला में दान करना चाहते हैं पैसा देना चाहते हैं तो ये नारायण साहू सर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उनसे संपर्क कीजिएगा और जितना हो सके आप इस गौशाला में दान दे सकते हैं। आपकी जो भी हैसियत के हिसाब से आपकी जितना भी रोजगार है उसी हिसाब से आपकी जितना भी मतलब इनकम है उसी हिसाब से आप इस गौशाला में दान कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य और महान दान होगा इस गौ माता की सेवा में अगर आप लोगों का पैसा लगेगा तो बहुत ही पुण्य का लाभ मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए ये जो नारायण सर है यहीं पर रहते हैं, 15 आदमी यहाँ पर काम करते हैं क्योंकि देखते होंगे आप लोग 130 गौ माता यहाँ रहते हैं, तो उन लोगों को खाना खिलाने के लिए पानी पिलाने के लिए नहाना नहलाने के लिए और उनका देखभाल करने के लिए सब लोग चाहिए, तो कम से कम 10-15 आदमी यहाँ पे रोज़ काम करते हैं डेली और उनको तनख्वाह भी देना पड़ता है। और ये जो सर है उनको सब ये संस्था की तरफ से व्यवस्था किया गया है और ये जो सर है नारायण सर है ये लोग चलाते हैं। और आप लोगों को अगर ये गौशाला को कुछ भी देना है, अगर दान करना है, आप लोग पुण्य कमाना है, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके आप लोग इस गौशाला में दान कर सकते हैं। ये देखिए जो मेनका गांधी है हर साल इस गौशाला में 50 रुपये डोनेट करती है और ये उनके साथ में है, उनके पास में
अतनु सब्यसाची नायकी वो भी खड़े हुए हैं। तो इस ट्रस्ट में 50,000 रुपये हर साल देते हैं, डोनेट करते हैं, ताकि यहाँ की जो गौशाला में जो गौ माता है उनके देखभाल किया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था हो, इसलिए हर साल 50,000 रुपये डोनेट करते हैं। ये देखिए राजकिशोर नायक जी है और ये उनका देहांत हो चुका है, और ये जो अतनु सब्यसाची नायक है उनके पिताजी है, और वो भी यहाँ पे बहुत कुछ मतलब किया है इस गौशाला में, मतलब दान दिया है और काम किया है गौशाला के लिए, और ये ट्रस्ट के साथ सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि गौ माता हमारा सनातन धर्म में हमारा जो माता है ना, जो गौ माता है हमारे माँ जैसी है, तो इसीलिए उनको जो देखभाल करता है, उनका सेवा करता है, उनको मदद करता है, तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे तरक्की करता है, बहुत आगे जाता है। और यहाँ पे गजपति महाराज जो है, पुरी के गजपति महाराज यहाँ पे भी आए हैं और इस गौशाला में यहाँ पे भ्रमण करके गए हैं, इस ट्रस्ट में कुछ दान दे के गए थे, देखिए, और अतनु सब्यसाची जी और उनके पिताजी और ये नवीन पटनायक जी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया होगा और आप लोगों को दिल को छुआ होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।